तो ये देखिए अब निकल चुका है प्रगति मैदान की ओर, जो सीधा हमारा जाके वो आ जाएगा अपना पुराना किला, उससे आगे जाएंगे तो वेस्ट बन रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। रुकिए तो भाई, एक बंदा आ रहा धक्का मारते हुए, इससे पूछते कि क्या हो गया। पैर लगा दूं? बैठो भैया। ये हो गया बाइक खराब, कैर स्टार्ट नहीं हो रही, तो हमने सोचा चलो अकेले रोड पे, क्योंकि इस रोड पे गाइस आपको दूर दूर तक ना पेट्रोल पंप मिलता है ना कोई मैकेनिक मिलता है, तो भैया ने सामान भी लाद रखा है तो वहाँ तक भैया लेके जाएंगे पैदल। मैं सोचा चलो पैर लगा देते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प हम कर देते हैं। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. तो ये देखिए अब निकल चुका है प्रगति मैदान की ओर, जो सीधा हमारा जाके वो आ जाएगा अपना पुराना किला, उससे आगे जाएंगे तो वेस्ट बन रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। रुकिए पंचर हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया उसका, बंदे का। वो एक बंदा आ रहा है धक्का मार के, पूछते हैं क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया कि पंचर हो गई है। नहीं नहीं ये रहा यार, तो भाई एक बंदा आ रहा धक्का मारते हुए, इससे पूछते कि क्या हो गया, पंचर हो गया है कि पेट्रोल खत्म हो गया। क्या हो गया भैया, पेट्रोल खत्म है? मैकेनिक तो यार यहाँ पे है नहीं कोई, वैन पैर लगा दूँ, रुको मैं तो भग रहा है। अरे स्टार्ट नहीं हो रही भैया, पैर लगा दूं? बैठो कौन है? भैया ये हो गया भाई खराब, कैर स्टार्ट नहीं हो रही, तो हमने सोचा चलो अकेले रोड पे, क्योंकि इस रोड पे गाइस आपको दूर दूर तक ना पेट्रोल पंप मिलता है ना कोई मैकेनिक मिलता है, तो भैया ने सामान भी लाद रखा है तो वहाँ तक भैया लेके जाएंगे पैदल। मैं सोचा चलो पैर लगा देते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प हम कर देते हैं भैया की, क्योंकि इतनी कुत्ती दुनिया है आज के टाइम पर, कोई रुकता नहीं है, सब मतलब ही है, सब मतलब ही। तो भाई कभी भी आप लोगों को ऐसा मौका मिले तो प्लीज़ कभी भी ऐसा चांस मत देना किसी को कि आप जाने दो, हेल्प करो दूसरे बंदों की, क्योंकि देखो दूर दूर तक गाइस कुछ भी नहीं है। भैया कहाँ तक लेके जाते पैदल खींच के, उनकी जगह हम होते तो हमारे को भी गुस्सा आ रहा होता कि हम कहाँ तक लेके जाएंगे पैदल। और ये टाइम ऐसा है कि आप किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी दूर तक कोई आएगा अपने आपको लेने, तो वही अगर आप लोगों को रास्ते में कोई दिखे ऐसा तो आप प्लीज़ हेल्प कर दीजिएगा गाइस। यही हम जितना हो सकता है उतनी हेल्प करेंगे। कहाँ जाना भैया आपने? हैं मदनगिरी? भैया ने तो मदनगिरी जाना मेरी जान है, ऊपर से चलते ऊपर से। ऊपर से ही ना,
तो भाई कोई होता नहीं ना यार मदद करने वाला। अब यहाँ दूर दूर तक ना पेट्रोल पंप है ना बंदा है कोई मैकेनिक ये जा रहा है कार्तिक सीधा हरिद्वार के लिए रूट सीधा टोपम टॉप कहीं नहीं मुंडना सीधा भगाता रहा। देखो लिखा हुआ ना मुरादाबाद सीधा भगाता रहा कहीं नहीं मुंडना तेरे को यहीं से तो गए थे हरिद्वार। मैकेनिक नहीं मिलेगा भाई यहाँ पे यहाँ दूर दूर तक मैकेनिक नहीं मिलेगा भाई। तो गाइस लगभग हमको पौना घंटा हो गया अंकल को पैर लगाते हुए। अंकल भाई साहब पता नहीं अंकल कह रहे गोविंदपुरी रहता हूँ मैं तो हमारे को पौना घंटा हो गया पैर लगाते लगाते। अब अंकल पता नहीं कहाँ तक लेके जाएंगे हमारे को लेकिन हम बस थोड़ा सा और आके लगा के हम इनको टाटा बाय बाय कर देंगे क्योंकि हम भी लेट हो जाएंगे घर के लिए हमको घर जाना है। अब अंकल की भी गलती नहीं है मैकेनिक कोई है नहीं रास्ते में क्या कर सकते हैं क्योंकि 9:45 का टाइम हो रहा है और इस टाइम मैकेनिक भी कोई नहीं मिलेगा इसलिए हमको थोड़ा सा और आगे करके बाय बाय कर देंगे मदन की दीदा। उनको हम थोड़ा सा और आगे करेंगे तो उसके बाद हम वापसी निकल रहे हैं क्योंकि अगर हम छोड़ने गए अंकल को आगे तो पूरा कर तक तो हम लेट हो जाएंगे जाते जाते। खाना करते हमने अंकल को 15 किलोमीटर तक पैर लगा दिया 15 किलोमीटर पौना घंटा हो गया पैर लगाते लगाते। अब मेरा हाथ भी दर्द करने लग गया और लात भी दर्द करने लग गई तो इससे ज़्यादा मेरी है नहीं सहनशीलता कि मैं अंकल को पूरा लगाऊं घर तक तो अंकल को थोड़ा और आगे लगाते हैं फिर अंकल को करते हैं टाटा बाबा। ये क्या है माई दिल्ली माई प्राइड। तो हम साउथ एक्सटेंशन आ गए काफ़ी अच्छी जगह ये उससे आगे फिर बदमाशों का क्षेत्र गोविंदपुरी मदनगिरी त्रिलोकपुरी। और चलो अंकल कितना दूर है अंकल अब चलो ठीक है मैंने कहा इस अंकल को बोला भी है कि अंकल आप दिखा लो मैकेनिक को पैसे मैं पे कर दूंगा तो अंकल कह रहे कि नहीं इस टाइम कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा भैया पैर लगा दो बस। तो वही है हमारे से जितना होगा हम पैर लगा देंगे उसके बाद हम वापस हो लेंगे क्योंकि गाइस अब देर हो जाएगी हमको पहुँचते पहुँचते क्योंकि हम पता ही आपको वैसे दिल्ली में रहने वाले हैं और हम आ गए साउथ दिल्ली के अंदर यहाँ से भी लगभग 25 किलोमीटर हमारा घर तो हम बस अंकल को थोड़ा सा और पैर लगा के फिर हम वापस निकलेंगे। तो अंकल खुद ही कह रहे हैं कि मदनगिरी तक पहुँचा दो उसके बाद तो भाई प्रगति मैदान से मदनगिरी तक पैर लगाना भाई साहब तोबा तोबा। तो चलो चलो गाइस अंकल को अब हमने छोड़ दिया तो अंकल जा रहे पैदल लेके कह रहे थे पानी वानी हमने कहा बस अंकल अब हम घर की ओर निकले काफ़ी लेट हो गए। तो चलो गाइस अब हम निकलते घर की ओर पैदल पैर लगाते लगाते भाई होगी बस। हाँ भाई कार्तिक भाई हो गए भाई क्या करे भाई ले कार्तिक लोकेशन बता दे रहा है इसकी वैन की टाइटअप पकानी है गाड़ी ये तो रॉन्ग से ही ले हाँ भगवान ऐसे मजबूरी डालना किसी को कि पैदल निकलना पड़े रात को
चलो ये बैंड गेट को फोन पकड़ अब टाइट, अब तेरा वाइब आएगा। अब बस कितना दिखा रहा है स्टेट, कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है स्टेट? नो चल ठीक है पकड़ लिया। अब अंकल के पैर लगा दिया, अंकल ले जाएंगे थोड़ी दूर अंकल अगर, तो हम वापस जा रहे वेस्ट ऑफ वंटर, वहाँ थोड़ी फोटो वोटो खिंचवाएंगे, रील बिल बनाएंगे एक दो, तो उसके बाद हम निकलेंगे घर की ओर वापसी।